चलिए और अब आगे बढ़ते हैं। चित्तौड़गढ़ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नरपत सिंह राजवी की चित्तौड़गढ़ में बतौर भाजपा प्रत्याशी एंट्री हो गई है। टिकट मिलने के 10वें दिन बाद किए विधानसभा क्षेत्र के दीदार। भाजपा ने चित्तौड़गढ़ से चंद्रभान सिंह आकिया की जगह नरपत सिंह राजवी को दिया टिकट, जबकि चित्तौड़गढ़ से मौजूदा विधायक है चंद्रभान सिंह आकिया। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे। टिकट नहीं मिलने पर पार्टी के खिलाफ बगावती तेवर उन्होंने दिखा दिए हैं। विधायक आकिया के स्वर बदल चुके हैं। 6 नवंबर को चित्तौड़गढ़ सीट से बतौर प्रत्याशी नामांकन दाखिल करेंगे विधायक आकिया, और पार्टी की बेरुखी के चलते भाजपा के खिलाफ जाकर करेंगे निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन भरेंगे। टिकट काटने के पीछे आकिया ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी का हाथ बताया है। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी है। चंद्रभान सिंह आकिया नाराज चल रहे हैं पार्टी से, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर वो नामांकन दाखिल करने वाले हैं। चित्तौड़गढ़ से बड़ी और अहम जानकारी, जहां नरपत सिंह राजवी की चित्तौड़गढ़ में बतौर भाजपा प्रत्याशी एंट्री हो गई है। टिकट मिलने के 10वें दिन बाद विधानसभा क्षेत्र के उन्होंने दीदार किए। भाजपा की चित्तौड़गढ़ से चंद्रभान सिंह आकिया की जगह नरपत सिंह राजवी को टिकट दे दिया गया है। और चलिए बढ़ते